अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वजन फरिकवाल, चैनल मोबाइल रिपेयरिंग के साथ। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद मैं जो है वीडियो ला रहा हूं, क्योंकि काफ़ी दिन जो है मैं दुकान पे नहीं आया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर शॉप जो है वो बंद करनी पड़ी। तो आइए आज हम आपके लिए एक शानदार वीडियो ला रहे हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो हमारे पास एक मॉडल है हवावे का, ये देखें हवावे P9 लाइट। तो दोस्तों इसको जो प्रॉब्लम है ये है, इसको चार्जिंग की प्रॉब्लम है, ये चार्जिंग शो नहीं कर रहा। दोस्तों आपने करना क्या है, इस तरह आपने ओपन तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ओपन करने के बाद दोस्तों ये इसका बैटरी जैक है, आपने इस बैटरी जैक को जो है ओपन करना है, बैटरी जैक को ओपन करना है। इसके बाद जो है ये LCD जैक है, ये देखें इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये जो है वाइब्रेशन जैक है, इसको आपने ओपन करना है, यहाँ पर है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों इसके जो हैं स्क्रू ये आपने करने हैं, खोलने हैं। इसका जो सर्किट है आपने इस तरीके से बाहर निकालना है। सर्किट दोस्तों जब बाहर आ जाएगा तो आइए दोस्तों इसका ये जो चार्जिंग जैक है यहाँ से हम चेक करते हैं कि यहाँ से करंट पास हो रहा है या नहीं। दोस्तों आपके पास ऐसी लाइट वाली जो है केबल होनी चाहिए ताकि आप पता चल सके कि कहाँ तक जो है करंट पास हो रहा है, केबल में आ नहीं रहा है या नहीं। ये देखें ये इस तरह लगाने के बाद अपने मीटर की मदद से मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये रहा हमारा मीटर। आपने जो है मीटर को रखना है DCV पे, DCV पे जब आप मीटर को रखेंगे तो ये चेक कर देगा कि ये करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने जमा वाली यहाँ रखनी है और नफी वाली जो है यहाँ रखनी है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर जो है करंट पास नहीं हो रहा। ये देखें ये देखें, इसका मतलब है कि ये करंट पास कर रहा है यहाँ से। तो इसका जो जैक का ये वाला पॉइंट है ये उखड़ा हुआ है, लिहाजा इसका जो जैक है ये न्यू लगाना पड़ेगा। जब हम जैक इसका न्यू लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो आइए दोस्तों इसकी जो है जैक हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों अक्सर दोस्तों को जैक चेंज करना आता भी है, और बाज़ अवकात ऐसे भी दोस्त हमारे हैं जिनको जैक भी चेंज नहीं करना चाहता, तो वो दोस्त जो हैं वो देख लें कि ये जैक आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कई किस्म के जैक होते हैं, इसका ओरिजिनल भी जैक मिल जाता है। अगर आपके पास ओरिजिनल का जैक ना हो तो आप ये देखें हमारे पास बहुत सारे जैक हैं। तो आप दोस्तों इन जैकों में से एक जैक मशहूर जैक जो है वो है E4 का जैक। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं, ये रहा जैक E4 का जैक। तो ये जो है यहाँ पर जो है आप अच्छी तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका ओरिजिनल जैक नहीं है तो फिर आपने E4 का जैक जो है EQ मोबाइल E4 का जैक सेट करना है।
अगर आपके पास ओरिजिनल है जैक तो फिर जो है आप इसका ओरिजिनल ही चेक करें। तो हमारे पास इसका ओरिजिनल जैक जो है इस वक्त मौजूद नहीं है, तो आइए इसकी ये वाली जो टांगे हैं ये वाली आपने इस तरह साइड से फिर साइड पे कर देनी है। साइड पे करने के बाद ये तैयार हो चुकी है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये देखें दोस्तों लग चुका है। अब इसके पॉइंट हमने इसके ज़्यादा साथ हैं अटैच करने हैं। तो आपने करना क्या है दोस्तों, क्योंकि इसके पॉइंट जो है थोड़े ऊपर हैं, तो लिहाजा आपने वायर की मदद से आपने जो है इसके पॉइंट जो हैं अटैच करने हैं। वायर के साथ आप कैसे अटैच करने हैं वो भी हम आपको तरीका बताते हैं, क्योंकि ये जो है हम इसकी E4 वाली बेस जो है इसके साथ मैच कर लें हैं। तो लिहाजा इसकी जो है ये देखें इसका जैक दोस्तों लग चुका है। तो आइए अब हम इसका जो है करंट पास कर चेक करते हैं कि ये करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा। आइए दोस्तों आपने ये वाली लीड लगानी है, आपके पास जो है लॉइट वाली जो लीड है ये लाजमी होनी चाहिए। अगर बेस इसकी कभी शार्ट भी हो जाए तो इसकी लाइट नहीं जलती, इससे पता चल जाता है कि मोबाइल का कोई पुर्जा जो है वो शार्ट है। ये देखें मैं आपको मीटर की मदद से दिखाते हैं कि अब ये करंट जो है
पास कर रही है। दोस्तों देखें, ये तो करंट पास हो रहा है, लेकिन अब देखना ये है क्या इसका बैटरी टर्मिनल तक करंट पहुंचता है या नहीं, या आगे से कोई पॉइंट ऐसा डैमेज है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके बैटरी के जो टर्मिनल हैं वो। दोस्तों ये रहे हमारी,